हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग क्लास। आपका जूलॉजी में सेकंड चैप्टर एंड हो चुका है, ठीक है। सेकंड चैप्टर में हमने आपको कई सारी चीज़ें बताई, प्रोटिस्टा, मोनेरा, इन सब चीज़ों में हमने आपको पूरी चीज़ें आपको बताई, ठीक है। मोनेरा में जैसे जो हमने आपको बताया बैक्टीरिया के बारे में, प्रोटिस्टा में जैसे अमीबा के बारे में बताया है, पैरामीशियम के बारे में बताया है, ये सारी चीज़ें हमने आपको इस वक्त बताई, ठीक है। आज जो हमारा चैप्टर चालू हो रहा है वो एनिमल किंगडम है, प्राणी जगत जिसे कहते हैं, प्राणी जगत, ओके। मतलब इसके अंतर्गत जितने भी फाइलम आते हैं हम फाइलम के बारे में डिस्कस करेंगे, चाहे हम फाइलम जिसे हम संघ के नाम से जानते हैं, ओके। तो फाइलम जो है उसमें पॉलीफेरा, मोलस्का, निमेटोडा, एस्केहेलमिंथेसिस, प्लैटीहेलमिंथेसिस, एकाइनोडर्मेटा, ठीक है, ये सारे बहुत सारे ऐसे हैं, आर्थ्रोपोडा हो गया, तो सभी फाइलमों का यहाँ पर डिस्कशन होगा। उसमें कौन कौन से उसके कैरेक्टर होते हैं, जिसको वहाँ पर उसको रखा गया है, ये सारी चीज़ें हम आपको इस क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है, इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अगर हम आज के टॉपिक की बात करें तो देखिए, वर्गीकरण हमने आपको पहले ही बता दिया है, वर्गीकरण किस तरीके से किया जाता है किसी भी जीव का या किसी भी पौधे का, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई। आज का जो टॉपिक है वो हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, किस तरीके से संगठन के स्तर होते हैं, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, क्या आप कह रहे हैं इसको संगठन के, कौन कौन से संगठन के स्तर होते हैं, ठीक है। हमने आपको बताया कि ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सारे संघ आते हैं, सारे फाइलम आते हैं, आपको डिटेल इसमें मिलती जाएगी। अब संगठन के स्तर की अगर हम बात करें, जितने भी एनिमल किंगडम के लोग होते हैं वो सारे क्या होते हैं, मल्टीपल या मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। अगर हम प्रोटिस्टा की या प्रोटोजोन्स की हम बात करेंगे तो वहाँ पास जो है वो यूनिसेलुलर होता है, ठीक। लेकिन जितने भी हम और आगे देखेंगे, क्योंकि हम प्रोटिस्टा को पहले ही बता चुके हैं, प्रोटोजोआ को हम पहले ही बता चुके हैं, तो यहाँ पास ये नहीं आएगा। और जितने भी फाइलम होंगे वो सब किससे रिलेटेड हैं, सब मल्टी सेलुलर एनिमल है, जितने भी एनिमल आते हैं उसमें क्या होते हैं, सब मल्टी सेलुलर होते हैं, ओके। और प्लस साथ में अगर हम स्पंज की बात करें, ठीक है, पॉलीफेरा में स्पंजेस होते हैं, तो वहाँ पास उसकी अगर बात करें तो उनकी अगर हम स्तर की बात करें, मतलब एक तरीके से जो लेयर होती है वो क्या होती है, द्विस्तरीय होती है, जिसे हम ड्यूप्लोब्लास्टिक के नाम से जानते हैं, ठीक है, द्विस्तर इसमें पाए जाते हैं, मतलब हम कह सकते हैं वो एक एक्टोडर्म होती है और एक एंडोडर्म होती है, ठीक है, या एक एपिडर्मिस होती है, एक एंडोडर्मिस होती है, तो दो स्तर प्रेजेंट होते हैं, ठीक। और इसमें क्या होता है, निरंतर श्रम विभाजन पाया जाता है, ठीक, मतलब डिविजन ऑफ लेबर पाया जाता है, मतलब ये निरंतर संघर्ष करते रहते हैं, चाहे वो फूड के लिए हो, चाहे रहने के लिए हो, हर चीज़ के लिए निरंतर संघर्ष करते रहते हैं। इसका जो सेलुलर, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कोशिकीय स्तर का संगठन कहा जाता है, ठीक। इसमें जो टिश्यूज़ होते हैं, टिश्यूज़ भी फॉर्मेशन होता है, टिश्यूज़ का फॉर्मेशन भी होता है, इसमें बहुत सारी इसमें चीज़ें पाई जाती हैं। एक एनिमल में मीन्स मल्टी सेलुलर है तो उसमें रिप्रोडक्शन भी पाया जाएगा, प्लस इसमें जितने भी और सिस्टम आते हैं, चाहे सेक्रेटरी सिस्टम की बात करें, चाहे हम रेस्पिरेशन की बात करें, तो सारे सिस्टम इसमें अधिकतर जितने भी एनिमल हैं इस फाइलमों में उसमें ये सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और क्या ये हाई लेवल के ऑर्गेनिज्म भी कहलाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, कई सारे जो टिश्यूज होते हैं फॉर्म होके क्या करते हैं, एक क्या किसका निर्माण करते हैं, एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं, और कई सारे ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है, तब जाके एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है और हमारा जो बॉडी है वो पूरी तरीके से आगे बढ़ती है और चलती है, ठीक। इसके बाद यही क्या है, जो अंग तंत्र होता है, इसी तरह की जो संरचना होती है उसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल कहते हैं, ठीक है, मतलब सारी चीज़ों को मिला जुला कर, ठीक। अगर ऑर्गन ही मीन्स अगर टिश्यू ही फॉर्मेशन नहीं होगा तो वहाँ पास ऑर्गन का निर्माण ही नहीं होगा, जब ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा तभी ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और वो लेवल के हिसाब से ही होता है, ठीक है। मतलब क्या है, पॉलीफेरा में कोई और ऑर्गन सिस्टम है, मीन्स मान लीजिए अगर एक्सक्रीटरी है, किस तरीके से वो निकालता है अपना जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, इसी तरीके गाइनोडर्मेटा की बात कर लेंगे तो उसमें कुछ अलग होगा,
ठीक है। तो इस तरीके से सब अलग अलग तरीके से पाया जाता है, चाहे हम किसी भी चीज़ की बात करें पूरी तरीके से, चाहे हम जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें भी बात करें, तो ये सारी चीज़ें ऐसे ही पाई जाती है। ठीक, अगर हम परिसंचरण तंत्र की बात करें तो जो परिसंचरण तंत्र होता है वो दो टाइप का होता है। ठीक, एक ओपन सर्कुलेशन सिस्टम होता है, ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, इसमें क्या है, रक्त में क्या है, इस तंत्र में रक्त का जो प्रवाह होता है हृदय से सीधे कहाँ जाता है, असंयमित पात्र में या सीनियस साइनियस पार्ट में पाया जाता है। ठीक है, मतलब इसमें किसी भी प्रकार की कोई हम ये कह सकते हैं कि वेसल्स नहीं प्रेजेंट होती है, और क्या है, कोशिका उत्तक इन्हीं पात्रों में जितनी भी इसके अंदर सेल पाई जाती है या जो भी टिश्यूज होते हैं वो सब इसी में ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो सिस्टम होता है मीन्स ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसी में सारे डूबे हुए प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बंद सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इसमें क्या है, विभिन्न भागों में विभिन्न जो वाहिकाएँ होती हैं, वाहिकाओं में वेसल्स में क्या आती हैं, जो धमनी शिरा मीन्स आर्टरीज जो होती हैं, वेन्स होती हैं, ठीक है, और कुछ कैपिलरीज होती है, तो उनमें ही रक्त का प्रवाह होता है, उनमें सर्कुलेशन पाया जाता है। इस तरीके से उसमें सर्कुलेशन क्लोज टाइप होता है। ठीक, इसके बाद अगर हम सिमेट्री की बात करें, ठीक है, सिमेट्री क्या है, सिमेट्री की बात करें जिसे हम सममित कहते हैं, सिमेट्री या सममिति जो होती है वो बहुत सारे होते हैं, जैसे स्पंज में अगर हम कहें तो असिमेट्रिकल पाया जाता है। ठीक है, मतलब क्या है, इसमें जो एनिमल्स को रखा गया है वो कैसे श्रृंखला या श्रेणीबद्ध तरीके से रखा गया है, किसी में असिमेट्रिक होते हैं, किसी में सिमेट्री पाई जाती है, ठीक, किसी में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, किसी में बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है, तो हर एक एनिमल में अलग अलग टाइप की सिमेट्री प्रेजेंट होती है। ठीक है, किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा इन्हें दो बराबर भागों में विभाजित नहीं करती है। अगर विभाजित कर दे, मतलब एक अगर एनिमल की हम बात करें तो एक ऐसा विभाजन जहाँ पास हमें लगे कि ये दो अलग पार्ट में इसको डिवाइड किया जा सकता है, वही हमारी सिमेट्री कहलाती है। जिसमें ये विभाजन पूर्ण रूप से होता है उसे हम सिमेट्री कहते हैं, और जिसमें नहीं पाया जाता है वो असिमेट्रिकल कहलाते हैं। ठीक है, अब जैसे दो समरूप भागों में विभाजित होते हैं, अगर गुजरने वाली रेखा प्राणी के शरीर को दो समरूप भागों में विभाजित करती है तो वहाँ पास जो सिमेट्री प्रेजेंट होती है वो रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। लेकिन जो एनिलीड्स हैं, एनिलीडा है, आर्थ्रोपोड्स हैं, या मैन मेक से हम बात करें तो इसमें क्या है, एक ही अक्ष पे गुजरने वाली जो रेखा होती है उसके द्वारा शरीर दो समरूप लेफ्ट एंड राइट जो पार्ट होते हैं उन्हें हम बांट सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, द्विपार्श्व सममिति कहते हैं, या बाईलैटरल सममिति के नाम से हम जानते हैं। ठीक, अब डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल क्या होते हैं या उसका ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब जिन प्राणियों में दो भ्रूणी स्तर, जो हमारा भ्रूणी स्तर होता है या एम्ब्रियोनिक जो लेयर होती है या मेम्ब्रेन होती है वो दो भागों में बटा हुआ होता है, जो जिसे हम क्या कहते हैं, बाहरी आउटर जो एक्टोडर्म होती है और इनर एक्टोडर्म होती है। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, डिप्लोब्लास्टिक, जैसे जो हमारे पोरीफेरा है और सिलेंट्रेटा फाइलम है, इनमें क्या है, डिप्लोब्लास्टिक जो ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है वो डिप्लोब्लास्टिक प्रकार का होता है। इसी तरीके से अगर कोई भी विकसित भ्रूण में एक तीसरा भ्रूण स्तर जिसे हम मेसोडर्म के नाम से जानते हैं, मतलब एंडोडर्म, एक्टोडर्म और तीसरा अगर और आ जाए मेसोडर्म, ठीक है, तो यहाँ पर तीन प्रकार के क्या हो जाते हैं, स्तर बन जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। अगर एग्जांपल के रूप में कहें तो फाइलम जो प्लेटेहेलमेंट्स हैं और जो कॉर्डेट्स होते हैं, ठीक है, उसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक प्रकार का होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, डिप्लो एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक था, क्या है, डिप्लो एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं सीलोम। ठीक है, आप लोग क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंग्लिश में समझ में आएंगी, इसको अगर हम बात कहेंगे तो प्रगुहा कहेंगे, क्योंकि शायद बहुत ही कठिन
वर्ड है हिंदी, ठीक है, इसलिए सिलोम बोलिए ज़्यादा बेटर है। इंग्लिश नहीं आती उसको हिंदी में ही सिलोम लिखी थी, ठीक है। क्या है, इनकी जो भित्ति होती है, बॉडी वॉल होती है, वो एलिमेंट्री कैनाल के बीच में बीच की कैविटी में उपस्थित होती है या अनुपस्थित होती है, ठीक है, यही इनका महत्वपूर्ण आधार होता है। और मेसोडर्म से ये क्या होती है, चारों ओर से ये गुहा घिरी हुई होती है, जिसे हम सिलोम के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बाद जो इस ऐसे ही प्राणी को क्या हम कहते हैं, सिलोमेट्स भी कहते हैं, जैसे एनिलेट्स हैं, मोलस्का हैं, और जो आर्थ्रोपोड्स हैं या इकाइनोडर्म मेटा है, इसमें सिलोम जो होती है, या कार्डेट्स होते हैं, इसमें मेसोडर्म की सिलोम प्रेजेंट होती है, और ये क्या है, मेसोडर्म से घिरी हुई नहीं पाई जाती, ठीक है, बल्कि इसमें जो मध्य त्वचा होती है उसमें उसके कारण वो क्या होती है, बाह्य त्वचा बाह्य त्वचा और अंत त्वचा के बीच में एक थैली के रूप में पाई होती है, जिसे हम सिलोमेटिक गुहा के नाम से भी जानते हैं। जैसे एस्केल्मेंथीस है, जिन प्राणियों में शरीर में गुहा नहीं पाई जाती है उसे हम असिलोमेट्स कहते हैं, ठीक है। जैसे जो प्लेटीहेलमेंट्स के अधिकतर सदस्य हैं, तो यहाँ पास क्या है, ये प्लेटीहेलमेंट्स के जितने भी सदस्य आते हैं, एनिमल आते हैं, वो सब इसी के अंतर्गत रखे गए, ठीक है। इसके बाद जो है हमारा सेगमेंटेशन है, कई सारे में जैसे एनिलीड्स में क्या है, सेगमेंट के रूप में स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, सेगमेंटेशन कहलाता है। इसके बाद नोटोकॉर्ड की बात करें, तो नोटोकॉर्ड जो पृष्ठरज्जु होती है उसे हम नोटोकॉर्ड के नाम से जानते हैं, जो कि मध्य त्वचा मेसोडर्म से उत्पन्न होती है, और ये क्या करती है, जो भ्रूणीय परिवर्तन होता है, एम्ब्रियोनिक जो डेवलपमेंट होता है उसके विकास के समय, ये क्या है, पृष्ठ सतह से बनती है और क्या करती है, और यही जो होते हैं, क्योंकि इसमें पृष्ठरज्जु प्रेजेंट होती है, इसीलिए इन्हें कॉर्डेट्स भी कहते हैं, या हम ये कहें कि जो पृष्ठरज्जु होती है केवल कॉर्डेट्स में ही प्रेजेंट होती है, और जिसमें नहीं पाई जाती है ये पृष्ठरज्जु, वो नॉन कॉर्डेट्स में आते हैं, ठीक है। आज के टॉपिक में इतना ही है, नेक्स्ट में हम नेक्स्ट की बात करेंगे, आज के लिए इतना ही, ओके, हैव अ गुड डे।